कार्तिक के महीने में। अगर आपको आवाज नहीं आएगी तो थोड़ा, या क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो ऑफ आ कर रही दूंगा। पर कुछ आ रही आ पर रही कुछ पर आ कुछ रही आ रही, ठीक है। तो जो पंचम पंचम कल से चालू है ना प्रभु जी, भीष्म पंचम। हाँ, कल से भीष्म पंचक भी शुरू हो जाएगा। तो जो भक्त भीष्म पंचक का व्रत करना चाहते हैं, कुछ भक्त केवल फल लेते हैं, कुछ भक्त केवल गोमूत्र गोमय लेते हैं, तो वो गोमूत्र और इत्यादि अगर वो करना होता है तो वो, या कुछ लोग 5 दिन निर्जल व्रत रहते हैं, वो आपको जो भी करना है वो आप इस समय भीष्म पंचक के समय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अल्फाबेट बी से जो भजन है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और बंधु संगे यदि तव रंगे परिहास, तो यदि ये वाले भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है बंधु आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर, श्रील भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया भजन है, वृंदावने भजन। इस श्रृंखला से ये सातवां भजन है। तो श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये गौड़ीय पत्रिका में छपा हुआ भजन है, बंगाली भाषा में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, तो इसको हम गाते हैं। बार बार प्लाना करे, बार बार भंगे, कखो न भूमिते पड़ी, कखो ता पंके, एई रूप ब्रह्मांड भरी, करये भ्रमण, गुरु कृष्ण कृपाए पाए, भक्ति नित्य धन, से धन मिले जदी आर धन छाड़े, अनाया से चले जाया संसारे रपारे, भव पारे आछे चिदा वैचित्र्य पारा, नित्य शांति नित्य सुखे करये विहार। तो इस भजन में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि यदि आप हर क्षण कृष्ण को का प्लान चुनते हैं और अपना प्लान छोड़ देते हैं, तो आपको चित वैचित्र विग्रह या फिर चित वैचित्र स्वरूप भगवान का धाम जरूर प्राप्त हो, ऐसा कह रहे हैं। बार बार बहुत बड़ा प्लान करते हैं, बार बार भंगे, बार बार हम प्लान करते हैं किस तरह से हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, किस तरह से मैं बड़ा होगा, मेरा बहुत नाम होगा, बहुत सारा करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो सब टूट जाता है और सब कीचड़ में चला जाता है। इसलिए जो जीवात्मा है वो ये प्लान करके इस संसार में यही रूप में ब्रह्मांड भरी करिए भ्रमण, इसमें भ्रमण करता है जीव,
और गुरु कृष्ण के पाए पाए भक्ति नित्य धन है। लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से अगर उसको भक्ति धन मिल जाता है तो वो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो लेकिन ये धन कैसे मिलता है, भक्ति वाला धन? तो कह रहे हैं, सही धन मिले जदी आर धन छाड़े। कह रहे हैं कि ये वाला धन मिलेगा यदि आप बाकी सारे धन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिलेगा भक्ति वाला धन मिलेगा, लेकिन उसके लिए इतना करना पड़ेगा कि बार बार आप प्लान बनाते हैं, हर बार प्लान बनाते हैं कि ऐसे मेरे विवाह होगा, मेरी एक सुंदर पत्नी होगी, लेकिन वो प्लान को माया देवी ध्वस्त कर। कभी जमीन कभी आसमान में उड़ने लगते हैं। इस तरह से जीव जो है बहुत भ्रमण करता है, लेकिन प्राप्त तो हो जाता है। लेकिन वो धन मिलने के बाद क्या करना चाहिए? सही धन मिले जदी यार धन छाड़ी। लेकिन वो धन तभी मिलता है जब बाकी सारा धन छोड़ दिया जाता है। फिर कह रहे हैं कि अनायासे चले जाए संसारे लापार। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति खुद ही भगवत धाम चला जाता है। उसको ये नहीं दिखाना पड़ता कि देखो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, इतना बड़ा जीबीसी हूँ, इतना बड़ा लीडर हूँ, इसलिए मैं भगवत धाम जा रहा, इतना बड़ा सन्यासी हूँ इसलिए मैं भगवत धाम जाऊंगा ही जाऊंगा। ये तो लोग कई बार सोचने लगते हैं कि शुद्ध भक्त है, यूट्यूबर होंगे तो शुद्ध भक्त होंगे और क्या। लोग सोचने लगते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं सब लोग कि देखिए यूट्यूबर, अच्छा उनके साथ फिर फोटो खिंचवाते हैं, यूट्यूब मैंने आपको देखा है। लोग सोचने लगते हैं कि मैं जब लोग बोलने लगेंगे सब लोग, इसका मतलब मैं शुद्ध भक्त हो जाऊंगा। लेकिन कह रहे हैं कि जिसने आर धन छाड़ दिया सही धन छाड़े जदी सही धन मिले, ये गुरु कृष्ण कृपा का जो धन है भक्ति नित्य धन, ये केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने और सब धन छोड़ दिया है। और सब धन मतलब
उसका बैंक बैलेंस है, ना उसका कोई भी आश्रय नहीं है। धन जन सुंदरी केवल गुरु कृष्ण के पे आश्रित है अगर कोई व्यक्ति, तो उसी को यह भक्ति धन मिलता है। इसलिए भगवान सब कुछ छीन भी लेते हैं सब कुछ छीन लेते हैं। सही धन मिले जदी आर धन छाड़े, अनायासे चले जाए संसारी। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसने सारा धन छोड़ दिया और उसको बस केवल कृष्ण ही गुरु है और कृष्ण की कृपा ही एकमात्र उसका धन है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई होता है तो उसको क्या होगा, अनायास ही वो संसार के पार चला, इस भौतिक संसार के पास वो अनायास, का मतलब उसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि देखो मैं त्रिदंड धारण कर लिया तो अब बताओ मैं शुद्ध भक्त होगा कि नहीं। होगा ना, हो ही गया होगा अब तो शुद्ध भक्त, जब YouTube में मेरे इतने वीडियो शॉर्ट वीडियो लाइक हो रहे हैं, इतने लोग मेरे फॉलोअर्स बन रहे हैं, सब लोग दूर से ही आ जाते हैं कि भाई प्रणाम करना है, गुरुदेव मेरे हैं, ये गुरुदेव है। सब लोग जब इतने लोग बोल रहे हैं तो मैं शुद्ध भक्त हो नहीं गया, हो ना गया शुद्ध, लेकिन अंदर से हृदय तो जानता है चुपके चुपके वहां पर जाते थे, इस्कॉन मंदिर में सीख के आए हैं उसके बाद गुरु परंपरा के अनुगत नहीं।
अरे कृष्णा, पर मुझे आवाज नहीं आ रही। अरे कृष्ण, थोड़ा आवाज इसने आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हम आवाज हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही हरे मेरी, है कृष्णा ना? प्रभु जी, आवाज इसने नहीं आ रही। अब आ रही है प्रभु जी, पहले नहीं आ रहे थे। हरे अच्छा अच्छा कृष्णा प्रभु जी, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है यहाँ पर। यहाँ वाईफाई भी नहीं काम कर रहा है, और यहाँ पर जिस कमरे में मैं हूँ यहाँ पे कोई इंटरनेट इंटरनेट भी नहीं काम कर रहा है। तो मैं मुख्यतः ये बता रहा था कि बड़ा बड़ा सुख का प्लान बनाते हैं, जब तक धन सारा आश्रय छूट नहीं जाता तब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। सही धन मिले जदि आर धन छाड़े, अनायासे चले जाए संसारे रे पारे। तो इसीलिए पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होता है, जैसे कि गोपियां भी, जैसे द्रौपदी भी, आप देखेंगे जब तक एक हाथ से वो साड़ी पकड़ी थी तब तक कृष्ण नहीं आ रहे थे, जब वो भी छोड़ दिया तब कृष्ण आ गए। तो लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है, पूरा छोड़ना आसान नहीं होता है। कुछ ना कुछ हम अपना आश्रय बना के रखते हैं, कुछ नहीं तो एक बैंक बैलेंस है चुपके से कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ दिक्कत हुई तो देख लेंगे। पूरा कृष्ण और गुरु पे समर्पण हम करते नहीं। पूरा समर्पण करना बड़ा मुश्किल है, पूरा समर्पण। तो इसीलिए फिर हमको जो है भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, वास्तविक जो कृपा है वो नहीं प्राप्त, क्योंकि तो पूरा समर्पण हम करते नहीं, पूरा 100% छोड़ते नहीं। गुरु कृष्ण के ऊपर पूरा हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हमको डर लगा रहता है कि गुरु जी को पूरा समर्पण कर देंगे, गुरु जी मेरा सब कुछ ले करके मुझे फिर छोड़ देंगे, अगर कहेंगे तुम निकलो यहाँ से तो क्या होगा। तो ये भी डर लगा रहता है। और जो गृहस्थ आश्रम है उनको तो छोड़ो, जो संन्यास ब्रह्मचारी आश्रम में वो भी पूरा समर्पण नहीं कर पाते, वो भी लगता है कुछ तो मेरे लिए कुछ तो होना चाहिए। तो धन जन सुंदरी कुछ तो एक आश्रय रखना चाहते। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रश्न वगैरह नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत यहाँ नेटवर्क का काफी इश्यू है। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं हरे सब कृष्णा भक्तों को प्रभु अनम्यूट जी, कर रहा प्रणाम हूँ जी, और फिर प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे
कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा बोलिए, माता जी प्रभु जी को सब हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रणाम, जी दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी जी प्रभु जी हरे सभी कृष्णा को प्रभु जी प्रणाम दंडवत, प्रणाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम, कृष्ण कृष्ण राम, थैंक यू प्रभु जी दंडवत प्रणाम।